दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एयरटेल सिम का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सिम को जीवित रखने के लिए केवल 23 रुपए का ही रिचार्ज करवाते आ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि एयरटेल ने जो है इसी प्लान को अब आपके लिए महंगा कर दिया है। अगर आप इसी प्लान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नजर आ रहा होगा बेल आइकन, उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि 23 रुपए के प्लान के बारे में मैंने जीवित रहने की बात क्यों की। तो देखिए, एयरटेल की ओर से इस 23 रुपए के प्लान को केवल इसीलिए ही लॉन्च किया गया था ताकि आपकी सिम जो है उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग हो सके, यानी जो फोन कर रहा है वो भी हो सके और जो फोन जिसका आ रहा है वो भी हो सके। तो यहाँ पर ना तो आपको कोई डाटा मिलता था इस्तेमाल करने के लिए, या ना तो ये आपको कोई कॉल चार्जेस यानी कि कोई टॉक टाइम मिलता था, और ना ही यहाँ पर कोई आपको SMS दिए जाते थे। लेकिन अब जो है आपको इसी प्लान में टॉक टाइम भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको 100 MB का डाटा भी मिलेगा, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो आपके लिए बढ़ा दी गई है। यानी मिनिमम जो होगा आपके सिम को एक्टिव रखने के लिए 49 रुपीज का रिचार्ज करवाना होगा। इसमें आपको 38 रुपए 50 पैसे का टॉक टाइम भी मिलेगा बात करने के लिए, और यहाँ पर जो है आपको 100 MB का डाटा भी मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए पूरे 28 दिनों के लिए। जी हाँ, 23 रुपए के प्लान में भी वैधता जो थी वो 28 दिनों की ही रहती थी, लेकिन वहाँ पर नुकसान ये था कि ना तो हमें कोई टॉक टाइम मिलता था और ना ही हमें कोई डाटा मिलता था। वहाँ पर केवल इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए ही हम 23 रुपए का रिचार्ज करवाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर कीमतों को भी तो इजाफा कर दिया गया है ना, तो उसी से हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ भी दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बाकी आपके मन में इसी प्लान को लेकर या फिर किसी भी प्लान को लेकर कोई सवाल बना हुआ है या फिर इससे अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।